अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आर एस इंफो मीडिया चैनल। आज वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद जिसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है, उसके एडमिशन की सारी डिटेल बताऊंगा। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं उन यूनिवर्सिटी की मैं आगे भी आपको डिटेल बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मैं एडमिशन डिटेल बताऊँगा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है। ये यूनिवर्सिटी जो थी ये इस्टेब्लिश हुई थी 1985 को, ठीक है। तो HEC ने जो 2012 की जनरल HEC थी उन्होंने जो है ना इस यूनिवर्सिटी को जो है ना फोर्थ नंबर का रैंक दिया था। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में जो है ना वो टू टाइम साल में एडमिशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्प्रिंग में, स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा आपको। स्प्रिंग में जो है रजिस्ट्रेशन वो नवंबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फॉल जून में शुरू होती है और जुलाई में ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब जो है इसकी एडमिशन जो है ना ओपन हो चुकी है, 14 जून को इसके एडमिशन ओपन हुए थे और 31 जुलाई को इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। जैसे कि हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन हो चुके हैं उसके लिए मैंने अलहदा सी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो एंड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन जो आप ऑनलाइन एडमिशन जो है ना सबमिट करवाते हैं उसके बारे में आपको भी बताऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन जो सबमिट करवाने के बाद आप चलान फॉर्म जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं, चलान फॉर्म प्रिंट निकलवाते हैं और जो भी करीबी बैंक है उसमें आप जमा करवा देते हैं, ठीक है। ये चलान फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप पहले अपना नाम नेम ऐड करते हैं, जेंडर्स, ईमेल, रिट्राई, नेशनैलिटी, CNIC, पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड, फिर तो किस फील्ड में आपने अप्लाई करना है उसके बारे में आप इसमें बताते हैं, ठीक है। इसके यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में मेल्स और फीमेल्स के लिए अलहदा से क्लासेस होती हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिस जो कि सिर्फ मेल्स के लिए हैं और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो फीमेल के लिए हैं, ठीक है। तो एडमिशन जो है BS और MSc में जो है ना वो एंटी टेस्ट के बगैर एडमिशन है। इस यूनिवर्सिटी ने में जो है ना एंटी टेस्ट के बगैर एडमिशन होते हैं, लेकिन जो LLB प्रोग्राम है, ठीक है, लॉ के लिए उसमें जो है ना 60% लैट टेस्ट रिक्वायर्ड है, 20% जो है 30% जो है वो FSC है और 10% जो है मैट्रिक है। इससे मिला कर जो रिजल्ट बनता है उस पर जो है ना इनका फिर जो मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। सबसे पहले जो है PhD अरबी ग्रेजुएट, इसमें मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। उसके बाद MSc अरबी लिटरेचर अप्लाई करने की डेट 31 जुलाई है। MA अरबी, BS अरबी, ये अब मैं बता रहा हूँ कौन से ये यूनिवर्सिटी कौन से डिग्री प्रोग्राम करवा रही है, ठीक है। उसके बाद BS ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं। PhD कंप्यूटर साइंस, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं। MS कंप्यूटर साइंस, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंजीनियरिंग की फील्ड के अलावा जितनी भी फील्ड है उसमें ये एंटी टेस्ट और LLB में जो लैट टेस्ट है उसके अलावा किसी चीज़ में एंटी टेस्ट IUUI इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद एंटी टेस्ट कंडक्ट जो है नहीं कर रही, ठीक है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेल और फीमेल, ठीक है। और इसमें जो है ना अप्लाई करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स FSC में होने चाहिए, ठीक है। BS मैथमेटिक्स में जो आपके मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स हैं, अगर आपके 50% से अबव मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD फिजिक्स, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, MSc फिजिक्स, BS फिजिक्स। उसके बाद PhD इन्वायरमेंट, इसमें सिर्फ जो है ना इन्वायरमेंटल साइंस में सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद MS इन्वायरमेंटल साइंस, मेल और फीमेल दोनों, BS इन्वायरमेंटल साइंस, MS बायोटेक्नोलॉजी है, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन एंड BS बायोटेक्नोलॉजी, PH इन्वायरमेंटल साइंस, PH केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री वगैरह, PH इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग,
एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएच मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जितनी भी फील्ड है, पीएचडी, एमएससी, एमए इंग्लिश वगैरह में मेल, और पीएचडी उर्दू में सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और उसके अलावा जो है पीएच बीएड ऑनर एलिमेंट्री एजुकेशन में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, पीएच हिस्ट्री मेल, एमएस हिस्ट्री फीमेल, एमए पाकिस्तान स्टडी मेल, एमए हिस्ट्री मेल। उसके बाद एमएससी मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये फील्ड है जिसमें जो है ना फीमेल्स जो है ना अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और एलएलएम, एलएलबी के लिए जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लैंड टेस्ट रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो नीचे नंबर दिए हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फी स्ट्रक्चर कंडक्ट करती है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी डिग्री डिफेंस डिग्री प्रोग्राम में, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पीएचडी अरबिक लिटरेचर, एडमिशन फ़ी, यूनिवर्सिटी ड्यूज, लाइब्रेरी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद टोटल फ़ी जो बनती है, हॉस्टल फ़ी, ड्यूज, हॉस्टल सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इसमें बताऊँगा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह जितनी भी फील्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो टोटल फ़ी, अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी फ़ी पे करने पड़ेगी। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। और भी मतलब जो बच्चे फ़ी नहीं पे कर सकते उनके लिए अलहदा से स्कॉलरशिप है, ठीक है। और बहुत सी ये यूनिवर्सिटी जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और मेरे चैनल को कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में और बहुत सी इन्फॉर्मेशन बता सकूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।